नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी मैंने एक वीडियो अपनी डाली है, जब हम हरिद्वार से उत्तरकाशी की तरफ बढ़ रहे थे तो जो बीच का जो सफर है वो मैंने रिकॉर्ड करके डाला है, प्लीज़ वॉच। और चूँकि वीडियो हम लोग जो बनाते हैं वो हम बड़े मन से बनाते हैं, मुझे ये बार बार एहसास होता रहा पूरी यात्रा में कि कुछ चीज़ छूट ना जाए। मैंने जो वहाँ महसूस किया है, मैंने जो वहाँ पर देखा है वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सके मैं दिखा पाऊँ। तो जगह बहुत खूबसूरत है, रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, मौसम बड़ा खूबसूरत था। मतलब वहाँ पर हमारा जो मन था वो ऐसा कर रहा था कि बस लगातार चलते जाए चलते जाए चलते जाए। एक जगह हम लोगों ने खाना खाया, मेरे GoPro का जो SD कार्ड था वो भर गया था। 35,000 का मैंने GoPro लिया था लेकिन वो हैंग होने लगा। खैर कोई बात नहीं, मैंने मोबाइल से शूट किया जितना हो सका। और वो सारी वीडियो जब मैं उसको डिलीट मार रहा होता हूँ यानी कट कर रहा होता हूँ तो मुझे खराब लगता है कि यार मैं ना मारूं, उनको SD दिखा दूं, चाहे भले ही फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा दूं, लेकिन दिखा दूं। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे थे उत्तरकाशी की तरफ, कमाल के झरने, कमाल की जगह, कमाल का टेरेन, मतलब मन भर ही नहीं रहा था। लग रहा था कि उसको कार को रोक लो, कार को यहाँ रोक लो, कार को वहाँ रोक लो। और तो समझ लीजिए 500 GB डाटा मैंने शूट किया है, अब उसमें से कितना कट करूँ बताइए। 500 GB डाटा वो मैंने पूरा शूट किया है, चाहे वो मोबाइल से था, चाहे वो GoPro से था, चाहे वो दोस्त के मोबाइल से था, बेटे के मोबाइल से था, अपना DSLR से था, उसे मैंने शूट किया है। तो सब इकट्ठा हो 500 GB हो गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे। और प्लीज़ अगर कहीं कुछ कमी लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जितनी भी यात्रा मैं करूँगा उसका अपडेट तो आपको मिलते ही रहेगा और आगे अच्छा कंटेंट आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट्स मुझे ये बताएंगे कि मुझे और किस तरह की वीडियो बनानी है। तो रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है StarCast दिल्ली। अब इतना लंबा नाम मैंने क्यों रखा ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हाँ नहीं, ये गिरा है ऊपर से बाबा, लैंड स्लाइड हो रहा है ना, देखिए मत लगा लेंगे ऐसे, निकल लो पटली के लिए कॉल पे जितनी जल्दी हो सके। और बहुत बहुत वो है ये नहीं, बारिश के बाद जब धूप पड़ेगी ना तो पत्थर चटकता है, ये वाला पत्थर। अभी धूप नहीं है इसलिए ये अभी स्थिर है, जैसे ही वो आएगा ना वैसे चटकना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखो आगे आगे पत्थर उसका, ये गाड़ी काफी नीची है ना सर, बहुत ऊंची गाड़ी है। आगे वाले भी गिरा हुआ था, गिरा तो गिर जाता है। देखो भाई मजाक ना करें, इनके साथ कीचड़ बहुत है और बारिश मुझे लगता है लगातार 3-4 दिन से हो रही है, तो उसमें ज्यादा कीचड़ है और पत्थर खसकने का बड़ा लगातार डर लगा रहता है, यहाँ कभी पत्थर खसक सकता है, लैंड स्लाइड हो सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग बेचारे देखो ना लगे हुए काम पर, जगह जगह क्रेन है, जहाँ पर लैंड स्लाइड होने का खतरा रहता है वहाँ पर बकायदा क्रेनें लगी हुई हैं और वो बकायदा हम लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे अभी आगे 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 क्रेन लगी होगी, लैंड स्लाइड नहीं होगी और यहाँ रास्ता बना देंगे। हाँ ये ट्रक खड़ा है ना, और ये रास्ता बड़ा कर रहे हैं खरोच खरोच के ना, इनको वो मारते हैं और उसके नीचे उतारते हैं पत्थरों में।
दिन और रात लगे बेचारे। लद्दाख में बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये उत्तराखंड वाले होंगे, लगातार काम चल ही रहा है भाई, है ना? ये मुझे लग रहा है कोई बनाने के चक्कर में। अभी तो लद्दाख में जोजिला पास के बाद एक सुरंग बन रही है। अच्छा, हाँ, वो बहुत लंबी होगी। हाँ, रोड की आवाज भली आए लेकिन वैसे आवाज नहीं आ रही है ना। बस बिजली में जा रही है, कब पहुंचेगी पता नहीं। गंगोत्री यहाँ से 223 किलोमीटर, गंगोत्री यहाँ से 208 किलोमीटर, देवप्रयाग है यहाँ से 70 किलोमीटर और राजा 20 किलोमीटर। और यमुनोत्री के लिए हमें लेफ्ट जाना है, यमुनोत्री के लेफ्ट जाना है और देवप्रयाग और राजा के लिए हमें राइट जाना है। शनिवार की छड़ी लगी है। और जब यहाँ मौसम खराब होगा तो वहाँ तो ऑटोमेटिक मौसम खराब रहता है।
गंगोत्री के कौन सा रास्ता है? गंगोत्री 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 यही है। भैया ये उत्तरकाशी के लिए कितना जाएंगे? आगे से घूम गए। अच्छा ओहो ओ बल्ले बल्ले बाबा बारिश बारिश उस दिन आए थे हम लोग तो यही तो आए थे। हाँ चंदा है ना, चंदा आए थे। हाँ रस से आए थे हम लोग चंदा भैया गंगोत्री के लिए। क्या मौसम है भाई साहब, दिल्ली में मिले गए दोस्तों? इस वक्त मौसम है बहुत खूबसूरत और खुश हो जाइए, हम चंबा में हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। हमारी रफ्तार है सिर्फ 30-20। वाओ वाओ दीपक। हाँ जी मुस्कुराइए। बिल्कुल आप चंबा में? चंबा में इतने खूबसूरत नजर आए हैं भाई साहब, ये तो बर्फ में पड़ने लगे। अक्षय की बड़ी तमन्ना है बर्फ गिरते हुए देखने की, मैं सोच रहा हूँ इसको इस बार ये इसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। क्या मुझे राइडिंग करना पड़ेगा, एक इसको बर्फ दिखाएंगे। उत्तरकाशी 110 किलोमीटर भाई, यार अभी 14 किलोमीटर है और अभी हम है चंबा के अंदर और यहाँ का मौसम एकदम बदल गया है। आगे हम जहाँ पर खाना खाया हम लोगों ने वहाँ बिल्कुल बादल तो छा रहे थे लेकिन धुंध नहीं थी, यहाँ धुंध है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। वाओ वाओ क्या बात है, बारिश भी पड़ रही है धुंध भी पड़ रही है और देखिए पहाड़ की औरतें नहीं बनती नहीं तो बड़ी भीड़ होती है। कितने किलोमीटर पहले चला रही है, ऊखी मठ है एक जगह, ऊखी मठ एक जोशी मठ है, एक ऊखी मठ है और चंबा के पास ही है। दिल्ली में तो दीपक यार मौसम देखने के लिए हम तरस गए, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि वो धुंधी नजर आती है हमारे को। मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी है वो सबका यही हाल है भाई, यहाँ बिल्कुल इस हवा के अंदर आप सांस भी लोगे ना तो अंदर आपकी अमृत ही जा रहा है। और इससे ज्यादा जो डेंजर रास्ता है ना वो चौथा वाला है पूरा। देखिए सर्दी की जैकेटें दिख रही है कोट कोई जगह आने वाली है 2 किलोमीटर के बाद और बहुत ठंड है और ठंड है। गाड़ी के बाहर निकल जाए तो ठंड लगती है। क्यों दीपक? हाँ जी चारों तरफ हरियाली देखिए कितनी, वाह कमाल, प्रकृति बरसती है इन्हीं के लिए। आदमी तो चल करके भी जाकर के पानी पी सकता है लेकिन ये बेचारे कहाँ चल करके जाएंगे। एयरटेल 3G दिल्ली में चलता है, एयरटेल 4G और यहाँ के जो ड्राइवर भाई बहुत तेज होते हैं, कितनी तेज चलाते हैं वो। हम लोग उत्तरकाशी पहुँच गए थे और हमें जाना था यमुनोत्री, शाम को कोई बस नहीं थी तो हम लोग वहीं खड़े हुए चौक पर ही, उत्तरकाशी के चौक पर। एक गाड़ी वाला आया जिसमें मैं धर्मेश दीपक और हम लोग उसमें घुस करके बैठ गए। उसने जो गाड़ी चलाई है भाई साहब, जो गाड़ी चलाई है भाई साहब, मतलब ये समझ लीजिए
सबको ही आ गई है ना, मेरी भी तबीयत का वन बाय वन सबको उल्टी आनी शुरू हो गई तेरी ऐसी की तैसी। उन्होंने पता है भाई साहब एक घंटे का सफर को उसने 45 मिनट कर दिया, इतनी स्पीड से लिख गया था। और बड़ा खतरनाक चला था ना, अंसे बड़े आगे तो भाई पहाड़ी तो आगे है ही, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं ना, यात्री जितने भी आते हैं पिलग्रिम्स, उन सबकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यात्री नहीं आएगा तो हमारे को रोजगार कैसे मिलेगा, है ना। यहाँ कोई ऐसी कोई खेती वेती तो होती नहीं जो वर्ल्ड में जाती है या वहां से बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, हालांकि खेती होती है यार, लोग खेती करते हैं। और इस तरह ये देखे ना, तो सीढ़ी बनी हो ना सामने, खेती वाली है ये सारी खेती अलग अलग, हमारे साथ ही अपनी गाड़ी को पूरी तरह थामते हुए और पूरा ध्यान लगाते हुए रोड पर सीधी बात। ले लद्दाख वाले जो है ट्रक वाले ज्यादातर नहीं 2% है, 2% वो साइड में देते भाई साहब, कश्मीर के जो है ना वो बड़े तेजस वाले। ठीक आ गया ना, वो जो पैच था खतरनाक वाला वो निकल गया, कम से कम 20-22 किलोमीटर का पैच था वो, ऑफ रोड गड्ढों में रोड थी, रोड में गड्ढे नहीं थे, तो बरसात की वजह से भी ज्यादा खराब हो गया। उत्तरकाशी बोलिए, उत्तरकाशी के शुक्रिया धन्यवाद। चिल्ड कांडी खाल आया, कुछ कांडी खाल कांडी खाल सेंट्रल रोड कुछ आई थिंक तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी ज्यादा अगर ऑफ रोड है ना गड्ढे हैं फॉरन दे देगा
जा रहा है। चार बजे अंधेरा हो गया। ड्राइव कर, ड्राइव किया। इंसान ने भी अपने रहने की जगह कहाँ का बना रखी है ना। हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर सकते है? अगर हमें रहना पड़ जाए यहाँ पर साल दो साल, यहाँ आने जाने तो अच्छा लगता है लेकिन यहाँ रुक नहीं सकते आप। अपने हम जो शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है ना यहाँ की आदत ही नहीं है। संख्या तो वैसे है, क्या ड्राइविंग पैशन है या रोजगार है, क्या है ये शौक है? शौक है मेरे को, नहीं तो पहले तेरे को शौक हुआ होगा ना। मैं ड्राइव, उसके बाद तूने इसको रोजगार बना लिया है जैसे ड्राइविंग मेरा पैशन है, मेरा रोजगार नहीं है। और जब अपने शौक को आप रोजगार बना लेते तो ज्यादा मजा आता है ना। बारिश पड़ रही है बहुत धीमी धीमी पर बहुत तेज। और जब से हम हरिद्वार से चले तब से लगातार बारिश बारिश बारिश, कीचड़ मिट्टी ऑफ रोडिंग यही सब चल रहा है। फिलहाल 3 किलोमीटर है कालू ढाबा एंड गेस्ट हाउस, शायद हम कंडी चला रहे हैं। कंडी खाली है ना, आगे दौड़ रहा था ना तो काम पहुंच गया। यमुनोत्री की तरफ पहले रोड बहुत छोटे छोटे रोड है, इससे भी छोटे रोड है। तो हमने सामने कोई भी गाड़ी आ जाए तो खड़ी हो जाएगी, या तो इसको पीछे जाना पड़ेगा या उसको पीछे जाना पड़ेगा। ट्रक वाले तो आवाज देते हैं बिल्कुल। क्या भाग है, कमांड कमांड एजेंसी। अच्छा ये कमांड आ रहे हैं हम लोग। रिस्की ड्राइव, रिस्की एक बजाज महिंद्रा बुलेट और मारुति, इनके मैकेनिक पहाड़ में थर जगह मिल जाएंगे है ना। मौसम खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एक एक चीज यहाँ की भाई।
पिएगा तो चल सोचना। अच्छा हमें उधर जाना है भाई जहाँ से कार आ रही थी। अच्छा उत्तरकाशी में होटल वगैरह होगा ना? बहुत बहुत धर्मशाला है होटल है गाड़ी को रात को माता है तीन चाचा मेरे करीब काका छेड़ता हूँ कुछ कभी कुछ जो द्वारा कभी डंडा मार कभी कुछ मार कभी कुछ मार तो हर कुत्ता फिर हमें छाप छोड़ देता है उसमें छोड़ देता है। हाँ तो कहीं भी हम गाड़ी जाएंगे ले जाएंगे ना कुत्ता भागेगा अचानक पहचान होती है इनको। हम रात को बाइक भी निकालो तो भी रूम पड़ते हैं उनको रिवेस लगा लेंगे गाड़ी रोक तो पीछे बैठ जाते हैं। क्या जाते हैं गाड़ी से पैदल पैदल गंगोत्री पे हम लोग सारा सामान जो है पीछे की डिग्गी में रख ही देंगे गाड़ी पकड़ी जाएगी पार्किंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मेरा मन ये कर रहा है कि एक ही दिन में जैसे हम लोग चलेंगे ना गंगोत्री से तो एक दिन तो वहां भोजवासा में सोने के बाद दूसरे दिन हम लोग सीधा गोमुख देखते हुए तपोवन जाए तपोवन से वापस आ जाए थोड़े उसी दिन ताकि एक दिन कहीं और आगे चले दिल्ली की तरफ जो जो रास्ते मिलता चला जाए। मोटरसाइकिल से आने वाला मौसम नहीं अगर आप ये सोचो ना कि मोटरसाइकिल से आ जाओ पास ही बन जाओ लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप राइडर की तरह आओ जैसे सुबह में राइडर थे आपके पास जो हार्ली डेविडसन है हीरो स्प्लेंडर गंदी होनी होनी है बुरी तरीके से और कीचड़ में चलनी नहीं है चाहे कितनी हाई बाइक ले लो आप वो गंदी होनी होगी। देखो छोटे छोटे गांव बसा रखे हैं लोगों ने है ना कितनी आबादी होगी यहाँ की 2,000-3,000 है ना। ये है कंडी सौड़ चिन्हेला सौड़ देखो बादल फिर गिरा है अभी मौसम खुल गया था थोड़ा सा फिर बादल में आना शुरू हो गया गंगोत्री यहाँ से 148 किलोमीटर तो दोस्तों खुश हो जाइए आप हैं उत्तराखंड में मेरे साथ मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और बताइए आपको मेरी यात्रा कैसी लगी। और अभी अंधेरा हो चुका है उत्तरकाशी नहीं पहुंचे और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आपसे बात करेंगे अंधेरे में मैं आपको क्या दिखाऊँ इस वक्त कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे जो सारथी जो गाड़ी चला रहे हैं उनको 36 घंटे से वो लगातार गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त नींद लाजमी है उनको आना तो हमने उनको सोने का एक मौका दे दिया कि वो आधे घंटे सो जाए गाड़ी में और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। पहाड़ों की ड्राइविंग में बड़ा खतरा रहता है जरा भी आपकी पलक झपकी और गाड़ी नीचे तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हुए हमने सोचा
कि वो आधा घंटा आराम भी कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अपने लिए वो थोड़ा आराम कर लेंगे और हम अपने लिए चाय वाय पानी का इंतजाम कुछ कर लेंगे। तो आगे है चाय की दुकान, हम जाते हैं वहाँ पर, अगर कुछ खाने पीने को मिलता है तो लेकर जाते हैं। कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, चारों तरफ चौकसी है, पुलिस तैनात है, यात्रियों की सुविधाएं बहुत है। बस निकल पड़िए गाड़ी लेकर के, चल दीजिए। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज उत्तराखंड में हूँ और ग्लेशियर देखने की बड़ी तमन्ना है गोमुख। 2 साल पहले से मेरी तमन्ना थी कि मैं गोमुख जाऊँ, एक बार जाने भी लगा था लेकिन वो बीच रास्ते से वापस आ गए। तो लेकिन अब की बार पूरी तैयारी से जा रहे हैं, शंकर भगवान हमारी यात्रा सफल करे, माँ गंगा हमें थोड़ी शक्ति दे कि हम वहाँ पर गोमुख तक जा सके और ऊपर तपोवन तक जा सके। तपोवन में भागीरथ ने तपस्या की थी और माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे और उस गंगा को, माँ गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटायु में साधा और वो एक अद्भुत ग्लेशियर है जो 32 किलोमीटर लंबा है। 32 किलोमीटर बहुत होता है, वो देखने की बड़ी तमन्ना है। तो रहिए मेरे साथ और विश्वास कीजिए, इस बार की यात्रा बहुत बढ़िया होने वाली है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बोर ना होने दें। और अभी जो आपको शॉट दिखाए वो रास्ते में मौसम बिगड़ गया था, लेकिन अभी ठीक है, बादल तो है, सब कुछ है। पहुंच गए फाइनली, रात हो गई यहाँ पहुंचते पहुंचते, बाप रे टाइम क्या हो गया है अभी 7:30। चलो कोई बात नहीं, 7:30 ठीक हो जाए। केदारनाथ में तो ग्लेशियर ऊपर जो था ना, एक गांधी सरोवर था ऊपर जो झरना गिर रहा था, हाँ उस पर एक बड़ा उस पर वो गिरा बर्फ का टुकड़ा जिसकी वजह से पानी उछला, तो करोड़ों गैलन पानी था जो उछला सीधा केदारनाथ वैली में पहुंच गया। अभी हम उत्तरकाशी में और उत्तरकाशी में बहुत बारिश हो रही है और कल से परसों से लगातार बारिश हो रही है और रात भर बारिश होती रही, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है और हम आकर के फंस गए हैं उत्तरकाशी। अभी तक भी तो यही स्थिति है, गोमुख के लिए और तपोवन के लिए परमिट जो है वो अभी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आज यही रुकना पड़ेगा, उत्तरकाशी में कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमारा ये रूम अभी सब सो रहे हैं, और ये कोई बात नहीं, आपको अपडेट करते रहेंगे हम लोग। तो खुश हो जाइए आप उत्तरकाशी में।